हेलो दोस्तों, बनारस शशांक में आप सभी का स्वागत है। जो मैंने 365 दिन चैलेंज लिया है, आज उसका 56 दिन और ये आज हम नमो घाट पे हैं। गंगा उत्सव का कार्यक्रम है और वहाँ पे देखिए कुछ बच्चे पोएट्री लिख रहे हैं, कुछ बच्चे पेंटिंग बना रहे हैं। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ढेर सारा प्यार दें। और जो मेरा ज़्यादातर वॉच टाइम है वो आप सब कंप्लीट कराइए। तो ये देखिए सारा देने के लिए रखा हुआ है जो पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए। और ये देखिए नमो घाट का ही इसकी और नमो घाट का मैंने ब्लॉग भी बनाया हुआ है, तो आप मेरे चैनल पे जो लोग हैं वो लोग देख सकते हैं। तो ये देखिए बच्चे लोग यहाँ पे लोग पोएट्री लिख रहे हैं, पोएम लिख रहे हैं। और उधर के साइड में आपको दिखाता हूँ बच्चे लिख बना रहे हैं पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत पर्यावरण के ऊपर। ये विषय पे जो कार्यक्रम हो रहा हुआ है ये पर्यावरण के विषय पे है, जो हमारी प्रकृति दिन प्रतिदिन दूषित हो रही है उस विषय पे बच्चों ने कितना प्यारा प्यारा पेंटिंग बनाया है। वाओ, सच में बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग बनाया है और बहुत ही अच्छा एक मतलब अच्छा लग रहा है देख के, मतलब काफ़ी। और ये आप लोग देख ही सकते हैं। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट की, मुझे प्यार दीजिए। और ये देखिए भाई सब यहाँ भी लिख रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं। और ये बात तो है, बच्चों में टैलेंट बहुत होता है, बस उनको निखारने की ज़रूरत है। तो आप सभी से गुजारिश है कि जो बच्चे जिस फील्ड में जाना चाहें उस फील्ड में आप उनको भेजें, जिस फील्ड में उनका मन नहीं है जाने का कृपया करके उनको उस फील्ड में ना भेजें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्या पता जो आप सोचे उससे बेहतर आपका बच्चा सोच रहा हो। सही बोला कि नहीं बोला? आप लोग तो मेरे कुछ लोग तो मेरी बात से सहमत होंगे और कुछ लोग तो मेरी बात से सहमत नहीं होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे सारा पेंटिंग वगैरह गंगा जी का पूरा के कहाँ 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 गंगा जी हैं, सारा गंगा जी का फोटो वगैरह दिया गया है, बना मतलब चित्र दिखाया गया है कहाँ कहाँ के हैं। तो पूरा मैं बारीकी से आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी में भी दिखा रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि देखिए वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बन जाए इस विषय पे, मैं वीडियो जो है लंबा ना हो इसीलिए छोड़ा जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ। क्या करूँ दिखाना, देखिए सारी चीज़ें मुझे कवर करना है। और हालांकि मैंने 365 दिन चैलेंज लिया है और मोबाइल का भी, क्योंकि मोबाइल का भी मुझे ध्यान देना है कि स्टोरेज ना फूल हो, इस वजह से आप लोग समझ ही सकते हैं। और नया फ़ोन लूँगा तो मैं ज़रूर आप सबको बताऊँगा, अभी तो नहीं लूँगा, अभी तो फ़िलहाल टचवुड मेरा फ़ोन अभी बढ़िया चल रहा है और उम्मीद है कि अभी चलेगा फ़ोन, काफ़ी टाइम तक चलेगा। मैं कुछ कह नहीं सकता, मतलब वो देखिए फ़ोन की तो कोई गारंटी होती नहीं है। हालांकि ये 3 साल से मेरा फ़ोन चल रहा है तो आप सब समझिए, क्योंकि ये 3 साल से ये फ़ोन एक ही चल रहा है। और देख सकते हैं कितनी खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है, वाकई में सैल्यूट है भाई साहब। हमारे भारत देश में भी टैलेंट की कमी नहीं है, बस उनको निखारने की ज़रूरत है। और कुछ ऐसे टैलेंट है जो कि निखर मतलब क्या कहा जाए, ये देखिए एग्जीबिशन लगा है पूरा, ये देखिए क्या जो है ये कैमरा है और ये आग से बुझाने वाला है, ये सब जो जो हल्का फुल्का मुझे बताया गया वो मैं हल्का फुल। और ये पर्यावरण के विषय पर ये देखिए लोग पेड़ हैं और इसको पैक वैक करके लोग देंगे। और देख सकते हैं एक छोटा सा ये लिखा हुआ है, वाराणसी के पवित्र घाटों से घिरा, क्या करो इतना में पट्टा पट्टा सा ही बट पट्टा पट्टा बोल लो, ये सब हैंडीक्राफ्ट का है सारा। ये जो बच्चे हैं ये सब अपने हाथों से बनाए हैं, आप सब देख सकते हैं ये तरीके से हैंडीक्राफ्ट है। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, आया होगा, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ एक दिल से लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और ये देख सकते हैं, और जो मेरा चेहरा जो वॉश टाइम वो बस आप कंप्लीट करवाइएगा। ये देखिए डॉल्फिन है, कैसी लगी आपको डॉल्फिन? और ये है हमारा कछुआ। तो ये देखिए छोटा सा, ज़्यादा देर का नहीं, 4.5 मिनट का ही वीडियो बना है, उतनी में मैं पटर पटर बोलता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी अपने घर में वृक्ष लगाएं, अपने गांव पे अगर गांव है आपका वहाँ पे वृक्ष लगाएं। इतना देर तक बक बक सुने, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, आई लव यू।